चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें। नवरात्रि में क्यों उगाई जाती है जौ और क्या है इससे जुड़े संकेत, आइए जानते हैं। आदि शक्ति की आराधना का पर्व एक वर्ष में चार बार आता है। इनमें दो नवरात्र जिन्हें क्रमशः चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके अलावा साल में ही दो और गुप्त नवरात्र भी आते हैं जिनके बारे में कम जानकारी होने के चलते ही इन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। आदि शक्ति की आराधना के लिए नवरात्र के 9 दिन बहुत खास होते हैं। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दौरान उगाई जाने वाली जौ हमें अपने आने वाले समय की ओर भी संकेत करती है, यानी आने वाला समय कैसा होगा, अच्छा या परेशानी देने वाला। नवरात्रि के समय जो लोग नवरात्रि व्रत और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे लोग मिट्टी के बर्तन में जौ भी बो देते हैं। नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं और इसका पूजा में क्या खास महत्व होता है? हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक माना जाता है जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ ही थी। यही कारण है जब भी किसी देवी देवता की पूजा की जाती है तो हवन में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि पर जो जौ उगाई जाती है वो भविष्य से संबंधित कुछ बातों के संकेत हमें देती है। साधारण तौर पर 2 से 3 दिनों में बोया गया जौ अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर ये ना उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है, यानी कि आपको कड़ी मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति होगी। अगर उगने वाला जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो इसका मतलब आने वाला साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा। अगर वही जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका अर्थ है कि आपका साल का शुरुआती समय अच्छे से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके द्वारा बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये मान लिया जाता है कि पूजा अवश्य सफल होगी और आपका आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा होगा। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर आप जौ को उगाइए, उगने वाली जौ को ध्यान से देखिए और अपने भविष्य के संकेत भी प्राप्त कीजिए। जय माता दी।